हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग गाइज? मैं आज की जो वीडियो लेकर आई हूँ थोड़ी सी डिफरेंट लेके आई हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि इस तरीके से मैं कोई वीडियो अभी तक लेके नहीं आई थी। और बहुत देखो, मैं छोटी करके आई हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि वीडियो इसी से रिलेटेड है थोड़ी सी। एक्चुअली मैं गई थी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों लेके आई हूँ। मैं नीचे गार्डन में ऐसे घूमने के लिए निकली थी आज, समूह सो गई थी। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा घूम के आती हूँ, तो मैंने देखा गार्डन में वहाँ पर ट्रिमिंग चल रही है। जैसे कभी कभी गार्डनर आते हैं, वो पूरा क्लीन व्लीन करते हैं इस तरीके से, और बहुत सारे प्लांट्स की जो फ्लावर प्लांट्स हैं उनकी कटिंग कर करके एक साइड में डाले हुए थे, जो फाइनली डस्टबिन में जाने वाले थे। और उनमें मैंने देखा कि इस तरीके से फ्लावर है उसमें, ये मुझे अच्छे लगे, ये सारे उसी से मैं निकाल निकाल के लेके आई हूँ। मैंने अलग से कोई नहीं तोड़ा है। मैंने सोचा चलो इनको मैं घर पे लेके चलती हूँ, लेकिन मुझे घर पे लाने के बाद मुझे लगा कि ना मैं इन पर एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। ज़्यादा नहीं है, छोटे बड़े ऐसे ही मुरझाए हुए हैं, ज़्यादा खिले हुए फ्रेश फ्रेश नहीं है। ये देखिए बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, क्योंकि ये इनकी फाइनली ट्रिमिंग हो चुकी थी और ये कूड़े में ही फेंकने वाले थे। तो मैंने सोचा ना कि क्यों ना मैं इन पर एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। घर में लेके आई थी मैं इनको, मुझे अच्छे लगे क्योंकि मुझे फ्लावर बहुत पसंद है, स्पेशली जो मतलब घर में इस तरीके से मतलब अच्छे लगते हैं। ये देखो कितने प्यारे खुशबू के साथ में हैं, और ये भी बहुत प्यारे हैं। इनके साथ में कोई खुशबू इतनी खास नहीं है, लेकिन बहुत प्यारे हैं और सारे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो इन पर एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ स्टार्ट करने के लिए वीडियो को। और मैं बस छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विद घंटी बेल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और इन फ्लावर को मैंने तोड़े नहीं हैं, कभी आप लोगों को ये लगे कि मैंने अपनी छोटी सी वीडियो बनाने के लिए इतने सारे फ्लावर तोड़ दिए, नहीं। और हाँ, मैं जहाँ पर ये इतना सारा ट्रिमिंग करके ये सब कूड़े में डाला हुआ था, बहुत सारा हो रहा था, मतलब ये सिर्फ फ्लावर फ्लावर नहीं थे, इनके साथ में प्लांट्स भी थे, उनकी मैं वीडियो बना के लेके आने वाली थी आप लोगों के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि रियलिटी में मैं वहीं से ही लेके आई हूँ। लेकिन क्या करूँ कि मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी, मैं जस्ट ऐसे ही वॉक करने गई थी, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्लावर को, और मैं अलग अलग फ्लावर को अलग अलग तरीके से यूज़ करूँगी। वैसे मैं ऐसा माइंड में मैंने नहीं बिठाया था कि फ्लावर को लेकर मैं कोई वीडियो बनाऊँगी, लेकिन फिर भी अपनी साइड से मैं एक छोटी सी वीडियो ऐसे ही बना रही हूँ, जो हो सकता है लंबी भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये इसी तरीके के मुझे सिर्फ दो ही मिले थे ये फ्लावर, और ये जो है ये मतलब ड्राई होने के बाद जो आ जाते हैं इस तरीके से है। एक और भी है इनमें इस तरीके से, मतलब टोटल फोर है। तो चलिए मैं इनको स्टार्ट करती हूँ किस तरीके। तो सबसे पहले मैं इनको अपने हेयर में टक कर लेती हूँ, इस तरीके से डिज़ाइन बना लेती हूँ इनका, क्योंकि ये फ्लावर कहाँ कूड़े में फेंकने वाले थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनको यूज़ कर लेती हूँ। और मेरी वॉइस थोड़ी सी धीरे धीरे आ रही होगी क्योंकि मेरी बेटी सो जाती है तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ। ये तो मेरे चैनल पे सभी को आने वालों को पता लग चुका होगा क्योंकि मेरा एक ही डायलॉग रहता है कि मेरी बेटी सोई हुई है। और ये देखिए मैंने इस तरीके से लगाया है, और एक यहाँ पर लगा लेती हूँ इससे रिलेटेड, ये देखिए, ठीक है। वैसे तो चोटी मेरी बहुत थोड़ी सी और लंबी है, लेकिन जितना कैमरे में आ रहा है इतना मैं इसको लगा लेती हूँ। बचा एक, एक को मैं यहाँ लगा लेती हूँ। और ये देखिए ये इसका लुक कैसा आ रहा है, यानी मैंने एक यहाँ लगाया है और एक मैं यहाँ लगाई हूँ। इसमें लीफ नहीं, मतलब इसमें पूरा प्रॉपर नहीं है, ड्राई होने के बाद है, इसमें थोड़ा सा है और इसमें भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लगाया है। और ये देखिए कैसा लगा आपको, ये येलो ड्रेस के साथ में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन तब तक अगर मैं येलो ड्रेस पहनूंगी, चेंज करूँगी, येलो ड्रेस के अकॉर्डिंग में मेकअप करूँगी, तो ये जितनी इनकी थोड़ी सी फ्रेश लग रही है ये भी चली जाएगी, क्योंकि इनको और मैं वहाँ से झाड़ झाड़ कर लेके आई हूँ, और थोड़ा सा इनमें पानी का ऐसे किया है ताकि थोड़ा सा चल जाए, वीडियो तक तो चल जाए। तो ये चलिए मैं इसको अब उतार देती हूँ, अब लगाने जाऊँगी मैं दूसरे वाला। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो सॉरी यार, लेकिन इन फ्लावर्स की अहमियत को समझो कि कितने प्यारे लग रहे हैं। अब वो भी ट्रिमिंग कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो फिर उसमें फ्लावर्स कैसे आएंगे और सारे। तो ये देखिए अब मैं ये वाला यूज़ करने जा रही हूँ, ये तो हर जगह मिलेंगे रोड पे, हर जगह। और मैं इनको अलग अलग कर लेती हूँ क्योंकि उसको पूरे गुच्छे को तो नहीं लगाऊंगी ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, इसको भी ऐसे ही लगाती हूँ। वैसे जब हम बच्चे थे ना, तो मतलब हम इनको जो मस्टर्ड वाले होते हैं, जो सरसों फूल खिलते हैं सर्दियों में, हम उनको कान में पहना करते थे, ऐसे बहुत प्यारे लगते थे, सीरियसली बहुत प्यारे लगते थे जब हम बहुत मतलब छोटे छोटे से थे, खेलते रहते थे ऐसे। ये देखिए ये अच्छे से शायद टक नहीं होगा क्योंकि इसका ये पूरा प्रॉपर मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे फंसा हूँ। ये मैंने लगाया है और दूसरा फिर मैं यहाँ लगा लेती हूँ, और फिर ये लास्ट वाला मैं और थोड़ा सा यहाँ लगा लेती हूँ।
हेयर में, और ये लास्ट वाला में फिर से, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुरझा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ लगा लेती हूँ। यहाँ ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें इतना सारा वो नहीं है, कोई बात नहीं। आ, 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 मैं यहीं लगा लेती हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए, तो ये इतना सारा अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली, तो इसको पास पास में कर देती हूँ। ये सिंगल, ये सिंगल, ये डबल, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से लगाया अपने हेयर में, अच्छा लगा ना। तो चलिए अब मैं इसको उतार देती हूँ। अब मैं लगाने जाती हूँ दूसरे वाला। बहुत ही रफली चोटी बनाई थी मैंने क्योंकि उस तरीके से मेरे हेयर वॉश नहीं थे कि मैं इसको मतलब किस तरीके से लगाऊँ। तो अचानक से मैंने इस पे वीडियो बनाई है तो सोचा चलो ठीक है, अब मैं ये वाला यूज़ करने जा रही हूँ। छुटकू छुटकू सा बहुत प्यारा लग रहा है, और ये शायद मेरे पास में कितना है मैं देखती हूँ। हाँ, ये मेरे पास में इतना सारा है, इतना सारा, देखो इतना सारा। ये देखो, ये भी आपको जैसे रोड पे कहीं भी आप टहल रहे होंगे तो ये तो कहीं भी लग जाते हैं, कहीं भी मिलेंगे आपको। इसको मैं इसमें लगा लेती हूँ। ये दिख भी नहीं रहा है और फिर मैं इसको यहाँ पर लगा लेती हूँ। एक तो मैं बाहर नहीं निकलती बिल्कुल भी, बेटी के वजह से। मैं निकलूँगी तो बेटी भी निकलने के लिए बोलेगी, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं निकलती। आज ये सो गई थी तो मैंने सोचा हल्का सा यार बाहर की दुनिया देख लेती हूँ कि दुनिया है ऐसी ही कि चेंज हो गई है, तो मैं इसलिए निकली थी। और एक मिनट, इसको मैं अच्छे से फंसा लूँ। नीचे देखोगे ना तो ये जो ऊपर लगे हुए ये भी झड़ जाएंगे। और फिर ये छुटकू सा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये अगर इसकी स्ट्रांग होना तो मैं इसको नोज़ में पहन लेती, और आज मैंने नोज़ में पहना है गोल्ड का। ये देखिए, देख ही लिया होगा। और ये इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो दिखेगा भी नहीं, तो इसका मैं ऐसे ही हाथ में ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। आ, नीचे गिर गया तो ये देखिए, ये मेरी रिंग है, और इसको भी रिंग बना सकते हो। ये भी मेरी रिंग है, वाह बहुत प्यारा लग रहा है। और अब देखिए ये कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है यार ये, सीरियसली बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाला तो बहुत प्यारा लग रहा है, कहीं पार्टी में अगर इसको लगा के जाए तो कितना प्यारा लग रहा है ना। आर्टिफिशियल भी तो ऐसे लेते हैं ना क्लिप्स छोटे छोटे से, तो ये बहुत प्यारा लग। और ये वाला, इसको मैं यहाँ लगा सकती हूँ ये अब तो सच्ची में ऐसा लग रहा है कि ट्रिमिंग वाले के पास शायद पे बैठ के आई हूँ। तो ये देखिए, लेकिन ये अच्छा लगा है ना। तो चलिए अब मैं लास्ट जो फ्लावर बचा है उसको यूज़ करके दिखा देती हूँ। पहले मैं इनको छोटे छोटे से कुछ चुन लेती हूँ। वीडियो में बने रहना। ये देखिए, मैं अब इसको लगा लेती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ, और ये अच्छा लगता है, बहुत प्यारा। इसके जैसा मेरे पास में क्लिप भी है, सम्मू के छिपाने के चक्कर में मैंने पता नहीं वो क्लिप कहाँ रख दिया, और मैं उसको लगाया करती थी, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। ये तो भरमार है मेरे पास में। और ये 2, 1 हियर एंड, कैसा लग रहा है? बहुत है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अदरवाइज सारे ही बहुत अच्छे थे, नो डाउट सारे बहुत अच्छे थे अपनी अपनी जगह पे। और ये मेरे पास ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने हाथ में रिंग यहाँ भी लगा लिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कुछ ऐसे डिफरेंट सी। तो ठीक है, ओके बाय बाय।